little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Hello, good morning. Welcome to the second part of the soil science practical. In the first part of the soil science practical, we left the soil for sun dry for one day, as we all know that, okay, because the moisture content in the soil is much, and if the soil do not have that much of moisture content, then we store it in a shed or dry place, all you know, okay. Now see the video. After complete drying of the soil, we crush it the soil and make it in pottery form. Just see the image. It will become completely pottery in nature. Okay, जैसे तुमने देख सकते हो कि ये पूरा soil pottery हो चुका है, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है. नाउ सी, हेयर आई एम टेकिंग अनदर सॉइल सैंपल फ्रॉम अदर प्लेस. यू नो, यू सी दैट इट इज लाइक रेड इन कलर. ओके, नाउ वी ऑल्सो मेक इट ड्राई एंड क्रश इट टू मेक पाउडरी फॉर्म ऑफ इट. सी द पिक. ओके, यू ऑल सी दैट देयर आर two different soils with two different colors. Okay, it shows the color variation of the soil, and in your syllabus you see that there is one experiment related to determination of the soil color, and I know you all also collected soil from your nearby place, and when you all see each other soil samples, you may get the different colors of the soil. Okay, you can see that you have collected all the samples, and you see the different colors of the soils are present. You can compare it to the colors and determine which soil is having which color. So this experiment completes your one experiment also, that is determination of soil color. Okay, now see the picture. I am taking two disposable glass. Take water in it, one third water. Okay, here in video you see I am taking 2.5 spoon of the soil of each soil sample. Add water in it and make its balls. अब हम लोग को उसमें पानी ऐड करके हम लोग को उसका बॉल बनाना है. एंड देन पुट दिस बॉल्स इन द ग्लासेस एंड लेफ्ट इट फॉर 3 hours, 6 hours एंड 9 hours. एट दैट टाइमिंग यू टेक द फोटोज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड सी वॉट चेंजेस कम टू हैपन. ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि वो बॉल को बनाने के बाद जो डिस्पोजल ग्लास में हम लोगों ने पानी लिया था उसमें उस बॉल को पुट इन करना. ठीक है, उसके बाद उसको 3 hours के लिए, 6 hours के लिए और 9 hours के लिए छोड़ देना है. ठीक है, पहले 3 घंटे में अपना ऑब्जर्वेशन लेना, फिर 6 घंटे उसमें, 6-6 घंटे में लेना, फिर 9 घंटे में लेना है. ठीक है, एट दैट टाइमिंग यू टेक्स फोटोज. उस टाइम आप लोग को फोटोज लेना है सबका. ठीक है, और उसमें जो भी चेंजेस होगा उसको ऑब्जर्व करना है. आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन द बेस्ट सॉइल यू आइडेंटिफाई इज दैट. पूरा ऑब्जर्वेशन कम्प्लीट हो गया उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कौन सबसे अच्छा सॉइल है. कैसे पता चलेगा? जैसे यू ऑल सी दैट द बॉल डू नॉट ब्रेक कम्प्लीटली और टेक मच टाइम टू ब्रेक एंड सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, उसमें जो बॉल है, दो बॉल है, उसमें से एक बॉल देखी मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि एक बॉल कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते जा रहा है और एक बॉल सॉल्यूबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है.
टाइम टेकर है, जल्दी सॉल्यूबल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट सॉइल इज़ बेस्ट फॉर क्रॉपिंग, जो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होगा वो क्रॉपिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल वे टू चेक सॉइल क्वालिटी, ये पूरा एक ट्रेडिशनल वे है सॉइल क्वालिटी का चेक। पहले मॉडर्न तरीका था नहीं तो कैसे सॉइल को चेकआउट करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है सॉइल को चेक करने का, ठीक है। एंड इट एंड यू ऑल नो डैट कि मॉडर्न वेज को हम लोग जो है वो लैब्स में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो लैब्स में आप लोग को सिखाया जाएगा अदर अदर टेक्निक्स, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्वालिटी चेक कर लिया, ठीक है, मॉडर्न वेज से। वीड इन लॉट ऑफ थिंग्स टू चेक क्वालिटी ऑफ द सॉइल्स, ठीक है। मॉडर्न वेज में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं सॉइल को चेक करने के लिए, ठीक है। नाउ